नमस्कार दोस्तों, सर्च रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्यादातर से सफेद तिल का प्रयोग मिठाई बनाने के काम आता है, लेकिन दोस्तों इसके फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके अनगिनत फायदे हैं। दोस्तों, इसका आप सेवन करते हो तो ऐसे में दोस्तों आपको कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपके शरीर से दूर होती हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर को यह मजबूत बनाता है, और साथ साथ दोस्तों आपके चेहरे को भी निखार लाता है। तो ऐसे में दोस्तों आइए इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं कि सफेद तिल खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियां देते हैं। दोस्तों, बात करें इसके फायदे की तो दोस्तों सफेद तिल का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों दिल संबंधित बीमारियों को यह रोकथाम करता है। अगर दोस्तों आपके शरीर में कहीं दर्द है, ऐसे में दोस्तों आप तिल का तेल निकालकर उससे अगर अपने शरीर पे मालिश करते हो तो ऐसे में दोस्तों आपके शरीर में दर्द को यह आराम दे देता है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, हड्डियों में चिपचिपाहट नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों आप इसका सेवन करते हो तो प्रतिदिन सुबह एक चम्मच इसका आप सेवन करते हो, कूच कर खा लेते हो, तो ऐसे में दोस्तों आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी को यह पूरा करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, प्रतिदिन सुबह इसको चबाकर एक चम्मच सफेद तिल को चबाकर खाने से आपके दांत को यह मजबूत बनाता है, और इसके साथ साथ दोस्तों ये कब्ज की समस्या हो तो ऐसे में दोस्तों ये कब्ज की समस्या को भी खत्म करता है। सफेद तिल को अगर आप पीसकर, जी हाँ दोस्तों, सफेद तिल को आप पीसकर और इसका पेस्ट बना लेते हैं, ऐसे में दोस्तों इसको अपने चेहरे पे आप लगाते हैं और कुछ देर तक इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको ठंडे पानी से धुल लें, उसके बाद देखेंगे तो दोस्तों आपका चेहरा पहले के जैसा प्राकृतिक निखार इस पे आ जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ जिन लोगों को बवासीर की समस्या है तो ऐसे में दोस्तों वो काले तिल को, जी हाँ दोस्तों, बवासीर की अगर समस्या है तो काले तिल को चबाकर खा लें और उसके बाद दोस्तों ठंडा पानी पी लेते हैं, तो ऐसे में दोस्तों बवासीर से जलन की समस्या को यह समाप्त कर देता है। और दोस्तों अगर आपके पैरों की एड़ियां फटी हुई है, ऐसे में दोस्तों आप तिल के तेल को और मोम के साथ मिलाकर उसको अगर आप अपने फटी एड़ियों के बीच में लगाते हो तो ऐसे में दोस्तों ये फटी एड़ियों की दरार को भरने लगता है। और इसके साथ साथ जिन लोगों के किसी अंग में अगर किसी को अंग जल जाता है तो ऐसे में दोस्तों आप देसी घी और तिल के तेल को मिक्स करके उस पर लगाते हैं तो ऐसे में दोस्तों ये उसको आराम देता है। दोस्तों, अगर आपके मुंह के छाले हैं और आपको परेशान कर रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों आप तिल के तेल को सेंधा नमक के साथ अपने छाले पे लगाते हो तो ऐसे में दोस्तों आपके छाले को यह जल्द ठीक कर देता है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको सूखी खांसी है तो सूखी खांसी के लिए दोस्तों तिल को मिश्री के साथ मिक्स करके अगर आप उसको खाते हो तो ऐसे में दोस्तों आपकी सूखी खांसी एकदम से ठीक हो जाएगी, यानी आपके गले में खराश नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ हो। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियां देते हैं।